तो गाइस अब तक हमने देखा कैल्विन और ब्रॉम्सन के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, पर कैल्विन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। तब हम देखते हैं गीज पागल हो जाता है और लोगों पर हमला कर देता है, पर कैल्विन उसे सही समय पर बेहोश कर देता है। तब लोगों के जख्मी होने की वजह से ब्रॉम्सन और कैल्विन का मैच अगले दिन के लिए शेड्यूल कर दिया जाता है। और यहाँ रिक कैल्विन को ब्रॉम्सन के खिलाफ अपनी पूरी ताकत का यूज करने के लिए कहता है। और हम देखते हैं अगले दिन कैल्विन अपनी पूरी ताकत के साथ ब्रॉम्सन के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है, पर ब्रॉम्सन उसे फिर भी हरा देता है। और अब आगे तब हम यहाँ देखते हैं ब्रॉम्सन मैच को जीत चुका होता है और सभी लोग उसके जीतने पर उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। तारिक कहता है, आपने तो सच में कमाल ही कर दिया मास्टर ब्रॉम्सन। तब एंजेलिका भी ब्रॉम्सन की तारीफ करने लगती है। तब ब्रॉम्सन कहता है, तारीफ तो हमें चैंपियन की भी करनी चाहिए क्योंकि उसका आखिरी मूव सच में कमाल का था। तारिक कहता है, इस चीज से ये कंफर्म हो गया है कि वो मैजिक क्रिस्टल हमें ही मिलेगा, जिसका मतलब मैं फाइनल मैच से पीछे हट सकता हूँ। तब ब्रॉम्सन कहता है, तुम्हारे खिलाफ फाइनल मैच का मुझे कब से इंतजार था। तब हम देखते हैं ये सुनते ही रिक स्ट्रेस में आ जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं न्यूज़पेपर में कैल्विन के सबके धोखा देने वाली न्यूज छपी होती है। तब कैल्विन कहता है, अब सभी लोग हमसे नफरत करते हैं तो क्या ये आपके लिए सही है। तब ऑनर कहता है, सब कुछ ठीक है, पर आप मुझे एक चीज बताओ कि आखिरकार वो लास्ट मूव क्या था। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसा भी मूव है। मैं उस टाइम उस मोमेंट में इतना ज्यादा खो गया था कि मुझे याद ही नहीं कि मैंने उस टाइम क्या किया। तो अगर तुम्हें उसे नाम देना है तो उसका नाम स्पाइरल बाउंड्री फिस्ट रखना और उसे अच्छे से मास्टर कर लेना। अब तक मैंने सबको धोखा दिया है और ऊपर से अब मैं हार भी चुका हूँ, तो आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मुझे पता है कि तुमने वो सब कुछ हमारे लिए किया है, और तो क्या हो गया अगर तुम हार गए। अगली बार और भी ज्यादा ताकतवर बनना और अगले मैच को जीत जाना जैसे कि तुम पहले जीते हो। आखिरकार आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो ऑनर। क्योंकि तुम मेरे लिए मेरे बेटे की तरह हो। तभी हम देखते हैं ब्रॉम्सन वहाँ जाता है और उसकी इंजरीज के बारे में पूछने लगता है। तब कैल्विन कहता है, अब मुझे तुम्हारी वजह से जगह जगह पर दर्द हो रहा है। तो फिर मुझे तुम्हें हील करने दो। नहीं, तो मुझे ऐसे ही रहने दो। बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा दर्द महसूस हो रहा है, तो मुझे इसे सहने दो। और वैसे भी रिक ने तुम्हारे बारे में सही ही कहा था कि मुझे तुम्हारे खिलाफ अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहिए, तो इसलिए अब ये देखने में बहुत मजा आएगा कि तुम दोनों का फाइनल मैच कैसा जाएगा। तब यहाँ स्नेप रिक से मिलने आया होता है, पर हम देखते हैं रिक ने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया होता है। तब एंजेलिका उसे बाहर निकलने के लिए कह रही होती है। तब रिक कहता है, मैं बाहर नहीं आऊंगा क्योंकि अगर मैं बाहर आ गया तो मैं मारा जाऊंगा। तुम बेवकूफों की तरह बातें कर रहे हो, तुम्हें बाहर आना ही होगा। तब स्नेप कहता है, मैं यहाँ रिक को एनकरेज करने आया था, पर मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा होगा। तब एंजेलिका कहती है, ये तो ढीठी बन गया है, बाहर ही नहीं आ रहा। तब स्नेप कहता है, मिस्टर रिक, अब जब कैल्विन हार चुका है तो सभी लोग इस साल के फाइनल मैच को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो इसलिए प्लीज फाइनल मैच में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। तारिक कहता है, मुझे टूर्नामेंट से ज्यादा अपनी जान की फिक्र है। तब स्नेप रिक को हौसला देने के लिए गाना गाने लगता है और कहता है, मिस्टर रिक, बहुत सारे लोगों ने इस टूर्नामेंट को करने के लिए बहुत मेहनत की है और इस टूर्नामेंट पर बहुत सारी गोल्ड्स की बेट भी लगी है। बहुत से फैंस पूरी दुनिया से इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आए हुए हैं और फाइनल मैच के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, पर फिर भी आप अपनी जिंदगी को लेकर रो रहे हैं। क्या आपको इन लोगों का ख्याल नहीं है? लगता है सभी को अपने सपनों को छोड़ देना चाहिए। ये तो सच में बहुत शर्मनाक बात है। और वहाँ से चला जाता है। ता एंजेलिका कहती है, स्नेप सही कह रहा है, तुम्हें फाइनल में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। चाहे तुम मर जाओगे पर ब्रॉम्सन तो तुम्हें दोबारा से जिंदा कर देगा, तो इसलिए आखिरकार बताओ तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है। तुम कभी नहीं मरी हो तो इसलिए तुम नहीं समझ पा रही। चाहे तुम्हें पता हो कि तुम दोबारा से जिंदा हो सकती हो, पर फिर भी मौत से बहुत डर लगता है। मुझे पता है कि तुम्हें डर लग रहा है, पर याद करो तुमने 2 साल की ट्रेनिंग को भी सहा है और उसके मुकाबले तो ये मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ट्रेनिंग और फाइट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं और तुम ये कभी नहीं समझ पाओगी। मुझे लगा कि तुम मेरे मास्टर हो, पर मैं गलत थी। तब एंजेलिका नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और निजट कहता है, रिक, क्या तुम्हें याद है कि जब तुम हमारे कैसल आए थे तो बॉस ने तुम्हारी ट्रेनिंग का प्लान पहले से ही बना रखा था और ऊपर से उन्होंने बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर अगले 2 साल की ट्रेनिंग को काफी डिटेल में लिखा हुआ था। आप जो ये सब कुछ कह रहे हैं ये सच में बहुत ज्यादा अजीब है, पर वो ट्रेनिंग तो उस पर्सन के लिए थी ना जो कि काइजर एस्फेट को हरा सकता है। तुम सही कह रहे हो, पर उस ट्रेनिंग का एक और गोल है। ब्रॉम्सन एक ऐसे पर्सन को ट्रेन करना चाहता था जो उसके साथ सेम लेवल पर लड़ सके। ऑक्स को लड़ने की आदत होती है क्योंकि वो उसी तरह एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं,
पर बॉस बचपन से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, जिस वजह से उन्हें कभी कोई उनके बराबरी का मिला ही नहीं। वो हमेशा अकेला रहते थे। उनका ये सपना था कि वो किसी दिन अपन जैसे किसी ताकतवर के साथ लड़ाई लड़ेंगे, और उन्हें ये उम्मीद है कि शायद कल के मैच में उनका वो सपना पूरा हो जाएगा। वैसे तो तुम कल के मैच से पीछे हट सकते हो, पर तुम्हें कम से कम बॉस की फीलिंग्स के बारे में तो सोचना ही चाहिए। तो एलिस कहती है, ब्रॉम्सन सच में तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो प्लीज उसके साथ मजे करो। तब हमें पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ रिक पहली बार अपनी टीम के हेडक्वार्टर आया होता है। तब ब्रॉम्सन और वो हाथ मिलाते हैं और ब्रॉम्सन कहता है, तुम्हें लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं है और ऊपर से तुम्हारी तो मॉना कैपेसिटी भी बहुत कम है। क्या आप सिर्फ हाथ मिलाने से ये सब कुछ बता सकते हैं? अगर तुम मसल मूवमेंट और माना के फ्लो पर ध्यान दोगे तो तुम भी ये बता पाओगे। इस टाइम एक एडवेंचर के तौर पर तुम्हारा टैलेंट और एबिलिटी बिल्कुल जीरो है, क्या तुम्हें इस बात का एहसास है? ये भी बाकियों की तरह है जो कि मेरे सपनों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि मैं हार मान लूं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। टैलेंटेड लोगों के कंपैरिजन में तुम्हें 100 गुना से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, तो इसलिए मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुम ये सब कुछ सहने के लिए तैयार हो? तो यहाँ एंजेलिका कहती है, रिक सच में बहुत बेकार है। तब मिजट कहता है, वैसे इसमें उसकी भी गलती नहीं है, मैं उसकी फीलिंग समझ सकता हूँ। क्या मिस्टर ब्रॉम्सन की ट्रेनिंग सच में इतनी ज्यादा खतरनाक थी? बॉस की ट्रेनिंग ऐसी होती है जैसे कि धरती पर ही नर्क का एहसास हो। मैं तो ये देखकर हैरान हूँ कि आखिरकार कैसे उसकी मेंटल हेल्थ अब तक ठीक है, और मुझे तो इस बात का भी एहसास नहीं है कि आखिरकार उसने वो सब कुछ सह कैसे लिया। रिक एक एडवेंचरर है जिसके पास कोई स्किल नहीं है, तो इसलिए ये इसके लिए सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो एलिस कहती है, रिक के पास स्किल है। तमिजट कहता है, उसके पास इनहेरिट स्किल है। तो एंजेलिका कहती है, पर मैंने तो उसे कभी ऐसा यूज करते हुए देखा ही नहीं। उस स्किल की एक्टिवेशन रिक्वायरमेंट थोड़ी अजीब सी है, वो एक ऐसी पावर है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और ऊपर से उसकी बॉडी पर भी इसका बहुत बुरा असर होता है, जिस वजह से ब्रॉम्सन ने उसे उस स्किल को यूज करने से मना किया है। तो यहाँ रिक कहता है, रिनेट क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेकार हूँ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। चाहे आप जो मर्जी चूज करें, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिस मास्टर रिक को मैं जानती हूँ वो मास्टर ब्रॉम्सन के खातिर उनके साथ जरूर लड़ेंगे, और मुझे उन्हीं मास्टर रिक से बहुत ज्यादा प्यार है। तब हम देखते हैं फाइनल मैच का दिन आ जाता है, जहां सभी लोग उस मैच के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, और यहां हम देखते हैं स्नेप बहुत ज्यादा नर्वस होता है। तब एंजेलिका कहती है, आखिरकार तुम इतने नर्वस क्यों हो? अगर मिस्टर रिक ने मैच से पहले ही हार मान ली तो मैं बर्बाद ही हो जाऊंगा। तक कमेंटेटर कहती है, चलिए देखते हैं ये चैंपियनशिप कौन जीता है। इस बार के चैंपियन को 300 मिलियन पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ एंजेलिका कहती है, क्या तुम ठीक हो रिक? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस उनका सामना करना है। पर हम देखते हैं रिक बहुत ज्यादा डर रहा होता है। तक कमेंटेटर कहती है, आज के विनर को बोनसेस भी मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहला बोनस है ये 100 किलो के रेस्टिमी मैजिक क्रिस्टल्स, दूसरा है 1 साल के लिए गोल्डन स्लाइम बैग्स, और तीसरा बोनस है 2 लोगों के लिए हॉट स्प्रिंग की ट्रिप। रेनेट रिक के पास चली जाती है और उसे हौसला देने के लिए उसके कान में कुछ कहने लगती है, जिससे कि हम देखते हैं रिक लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तब ब्रॉम्सन और रिक मैदान में पहुंच जाते हैं। तारे कहता है, मास्टर ब्रॉम्सन आज मैं अपनी पूरी ताकत के साथ आपके साथ लड़ूंगा। ठीक है, तो फिर हम अच्छे से लड़ेंगे, तो मुझे दिखाओ कि मैंने 2 सालों में तुम्हें क्या सिखाया है। तो यहाँ ऑनर कहता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर क्या होगा? तो कैल्विन कहता है, ये दोनों ही पागल हैं, तो इसलिए इस मैच को प्रेडिक्ट करना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। तब हम देखते हैं कमेंटेटर उस मैच को स्टार्ट कर देती है, और रिक अपनी पूरी स्पीड से ब्रॉम्सन पर हमला कर देता है और उसे चोट देने में कामयाब हो जाता है। तब स्नेप कहता है, आखिरकार ये किस तरह का मैजिक है? तो एलिस कहती है, इन दोनों ने तो कोई मैजिक यूज ही नहीं किया। तो एंजेलिका कहती है, ये देखो बस फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के बाद आपस में लड़ रहे थे ना। तो रेनेट कहती है, सही कहा, इन दोनों ने एक दूसरे पर बहुत तेजी से हमला किया है, और ऊपर से मास्टर रिक ने थ्रेड स्लाइसर की मदद से मास्टर ब्रॉम्सन को चोट पहुंचाई है। रिक फिर से फुल स्पीड से ब्रॉम्सन पर हमला कर देता है और उसे बहुत सारे मुक्के मारने लगता है। तब ब्रॉम्सन जैसे ही रिक को मुक्का मारने लगता है, वैसे ही रिक पीछे हट जाता है और वापस आकर ब्रॉम्सन को एक जोरदार लात मारता है, जिससे कि ब्रॉम्सन की नीचे की जमीन टूट जाती है, और वो रिक को एक जोरदार मुक्का मारता है, पर रिक उसके मुक्के से बच जाता है। तब रिक थ्रेड स्लाइसर की मदद से ब्रॉम्सन को एक और चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। तब एंजेलिका सोचती है, रिक के ट्रेनिंग देने के बाद ही मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ करना कितना मुश्किल है। रिक तो इस टाइम बहुत जोश से लड़ रहा है, आगे का तुमने उसे कहा क्या था? तब हम यहाँ देखते हैं रेनेट ने रिक को जीतने के बाद हॉट स्प्रिंग में साथ जाने का प्रॉमिस किया होता है। तब यहाँ रिक सोचता है, अगर मैं जीत जाऊंगा तो हम दोनों हॉट स्प्रिंग में इकट्ठे जाएंगे,
जिसे सुनकर एंजेलिका शर्मा जाती है और उसे ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही होती है कि रिक और रेनेट इकट्ठे समय बिताएंगे। तब हम देखते हैं रिक बार बार हमला करने की वजह से बहुत ज्यादा थक चुका होता है। तब रॉबसन कहता है, ऐसा बहुत ज्यादा कम होता है जब तुम पूरी तरह लड़ने के मूड में होते हो, तो इसलिए सिर्फ खुद का बचाव करने में मजा नहीं आएगा। और रिक पर हमला कर देता है जिससे कि रिक बच जाता है। पर हम देखते हैं उस हमले के इफेक्ट से पूरा स्टेडियम हिलने लगता है। तब केल्विन कहता है, चाहे ये सुनने में जोक लगेगा पर उसके हमले का इम्पैक्ट ही फिफ्थ टायर नेचर मैजिक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तारिक सोचता है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इस टाइम मैं मास्टर ब्रॉम्पटन के सामने खड़ा हूँ और अगर इस टाइम मैं हिम्मत करके आगे बढ़ूंगा तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। तब ब्रॉम्पटन रिक के ऊपर एक साथ बहुत सारे हमले कर देता है और रिक पूरी स्पीड से उनसे बचने लगता है। तभी ब्रॉम्पटन अचानक से रिक के पास आ जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारने लगता है जिसे देखकर एंजेलिका टेंशन में आ जाती है। रेनेट कहती है, चिंता मत करो वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और यहाँ हम देखते हैं रिक अपने मैजिक से अपने आप को बचा लेता है। तब एंजेलिका कहती है, ये तो फर्स्ट नेचर मैजिक है। तब ऑनर कहता है, कैसे सच में उस पंच को फर्स्ट नेचर मैजिक से रोक लिया। तब केल्विन कहता है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है, उसने बिना माना को कंसंट्रेट किए इस मैजिक को एक्टिवेट किया है और ऊपर से उसने मंत्रों को भी नहीं पढ़ा, ये तो सच में एक ट्रू चार्टलेस मैजिक है। तब रोशन कहता है, तुम्हारा मैजिक कंट्रोल तो सच में कमाल का है, ट्रू चार्टलेस मैजिक तो ऐसी चीज है जो कि मैं भी यूज नहीं कर सकता। तारिक कहता है, ये सब कुछ मास्टर मिजट और मिस एलिस की वजह से है। एलिस कहती है, रिक ने सच में बहुत ज्यादा मेहनत की है। तब मिजट कहता है, तुमने सही कहा, पर मुझे उस टाइम सबसे ज्यादा चिंता हुई थी जब उसने गलती की थी और उसे एलिस के मैजिक ने डायरेक्ट हिट किया था, उसकी वजह से उसकी आधी बॉडी इवेपोरेट हो गई थी। तो यहाँ रिक फिर से फुल स्पीड से भागने लगता है और ब्रॉम्पटन जमीन को तोड़ देता है। तब रिक ब्रॉम्पटन के पीछे आकर उस पर हमला कर देता है, पर ब्रॉम्पटन उसके हमले को रोक देता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है जिसे रिक अपने मैजिक से रोक देता है और थोड़ा सा पीछे जाकर फिर से सामने से हमला कर देता है। तब एंजेलिका कहती है, क्या ये पागल हो गया है जो कि ये सामने से हमला कर रहा है। तब ब्रॉम्पटन फिर से रिक पर हमला कर देता है। तब हम देखते हैं रिक आसमान में उड़ जाता है। तब केल्विन कहता है, ये तो सच में बहुत गलत चाल है। तब ब्रॉम्पटन फिर से रिक पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं रिक अपने मैजिक से उसके हमले से बचकर आसमान में और ऊपर चला जाता है और अपनी पावर से ब्रॉम्पटन पर हमला कर देता है जिससे कि ब्रॉम्पटन के आसपास की जमीन टूट जाती है। तब एंजेलिका कहती है, मेरी आंखों के सामने ही एक साथ इतनी सारी चीजें हो रही है, ये तो सच में ह्यूमंस के समझ के परे है, तो ऐसे रैंकर्स के बीच में ऐसी लड़ाई होती है। तारिक सोचता है, लगता है मेरा एयर शॉट मीडियम रेंज से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे इनके पास जाकर इन पर हमला करना होगा। तब रोशन कहता है, रिक तुम सच में बहुत ताकतवर हो गए हो, मुझे पूरा यकीन था कि मेरा ट्रेनिंग प्लान बिल्कुल परफेक्ट था, पर वो तुम थे जिसने अपनी विल पावर से उसे पूरा किया। तारिक सोचता है, मास्टर ब्रॉम्पटन कभी भी झूठ नहीं कहते हैं और ना ही किसी की झूठी तारीफ करते हैं। आपके मुंह से ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इन शब्दों को सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, पर ये शब्द एक मास्टर ने अपने शिष्य को कहे हैं, तो इसलिए मेरे लिए काफी नहीं है। मास्टर ब्रॉम्पटन, मास्टर मिजर्ट ने मुझे बताया है कि आखिरकार आपने मुझे क्यों ट्रेन किया है और ये भी बताया है कि आपका सपना क्या है। ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले, इन्हें जो सही लगता है ये वही करते हैं, पर तुम्हें इस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस उम्मीद है कि किसी दिन ऐसा जरूर होगा, तो इसलिए इसे सपना कहने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है, जब आपने मुझे ट्रेन किया था तब मैंने आपकी आंखों में पैशन देखा था, मैं आपका कर्ज चुकाना चाहता हूँ और आपके साथ वैसे लड़ना चाहता हूँ जैसे कि आप चाहते हैं। मैं सच में बहुत ज्यादा लकी हूँ, तुम्हें हमारी टीम में आए हुए 2 साल हो चुके हैं और अब तुम हमारी टीम के परमानेंट मेंबर बन गए हो, तो इसलिए अब तुम्हें हमारे पास्ट के बारे में बताने का वक्त आ चुका है जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारी टीम और कैलियम फिस्ट कैसे बनी। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।